हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और प्रियंका ट्रिक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आम की खट्टी मीठी चटनी, जो कि गर्मी शुरू हो गई है तो आम देखकर सबका मन करता है बनाने का, तो मैंने सोचा पहले मैं ही बना दूं। तो फ्रेंड्स, चलते शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने आम ले लिया है, अब अपने हिसाब से आम को लें, 2, 3, 4 जितने बनाने हो। मैं एक का ही बनाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने इसका छिलका उतार लिया है, आप चाहें तो बिना छिलका के भी ले सकते हैं। मैंने छिलका इसलिए उतारा है कि थोड़ा कड़वा लगता है तो सबको पसंद नहीं आती। और इसको काट के इसका बीज हम जो है निकाल लेंगे। अपने हिसाब से अपने टुकड़ा इसका करें, छोटा या बड़ा हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने काट लिया है और कुछ तड़के की चीज़ें ली है। मैंने हरी मिर्च और गरी किशमिश और हम मेथी लिया है, एक कलौजी लिया है, थोड़ा सा अचार का मसाला लिया है, खड़ी धनिया जीरा वगैरह इसमें है, और ये थोड़ा सा लिया है गुड़, मैं अपने आम के हिसाब से लिया है। इसमें तड़के की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने तेल डाल दिया है कढ़ाई पे, कढ़ाई में गैस ऑन कर दिया है। फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम तड़का डाल लेंगे। और इसके बाद हमने लाल मिर्ची अदरक डाला है, फिर लहसुन डालूंगी, ये थोड़ी सी हमने मूंग दाल खड़ी साबुत लिया था, और इसके बाद हम आम डाल देंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। फ्रेंड्स, हमारा आम फ्राई हो गया है, हम गुड़ को डालेंगे। गुड़ का आप छोटा छोटा टुकड़ा करके डालें, और इसी के साथ डालेंगे हम थोड़ा सा पानी इसको मेल्ट होने के लिए। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हम चलाएंगे, गुड़ की टेंशन ना करें, ये थोड़ा बड़ा है मेरा लेकिन गल जाएगा ये गर्म होते ही। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हल्का सा डालेंगे। और मैंने पानी उसी हिसाब से डाल दिया है पकने के लिए, इसको ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट। फ्रेंड्स, बीच बीच में चलाते हुए मैंने पकाया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी चटनी बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत चटपटी, और इसकी खुशबू तो पूछो मत कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आप कब बना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।